निमृत कौर अंदनो अभिषेक बच्चन के साथ अपने अफेयर के रूमर्स को लेकर सुर्खियों में ये बनी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादीशुदा जिंदगी में निमृत कौर की वजह से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। इन सब के बीच अब निमृत की शादी को लेकर एक पुराना बयान उनका सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दरअसल 10वीं के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने कहा था कि उनकी शादी को हाल ही में 15 साल पूरे हुए हैं और इतना कहने के बाद अभिषेक और एंकर ने टचफुट कहा। यह सुनकर निमृत कुछ ऐसा कमेंट करती हुई दिखी कि अभिषेक भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो कहती है कि शादियां लंबे समय तक नहीं टिकती और हंसती हैं। जूनियर बच्चों ने धन्यवाद कहते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन ने निमृत कौर के सामने ही अपनी पत्नी ऐश्वर्या की तारीफें की थी। अभिषेक ने कहा था, मेरी वाइफ इस मामले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो हमेशा मेरे लिए एक सपोर्ट रही है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरा पूरा परिवार रहा है। ऐश्वर्या जैसी लाइफ पार्टनर मिलने की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस बिजनेस में है, वो समझ गई है, वो ये काम मुझसे थोड़े पहले से कर रही है, तो वो दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है और वो ये सब झेल चुकी है। बता दें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को एक दशक से ज्यादा समय हो गया है। इस जोड़े ने 2007 में शादी की और कुछ साल बाद अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया। फिलहाल काफी टाइम से इस जोड़ी के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं। ये सब तब शुरू हुआ था जब अम्बानी फैमिली की शादी में ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेले पहुंची थी। वहीं अभिषेक अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ पहुंचे थे। इसके बाद कई मौके पर ऐश्वर्या बेटी के साथ ही नजर आए। अभिषेक के 10वीं एक्ट्रेस निमृत कौर के साथ अफेयर के रूमर्स फैले हुए हैं। हालांकि अभी तक इन अफवाहों पर अभिषेक और निमृत कौर की ओर से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।